अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मी पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की इसी कड़ी में मंगलवार को रोडवेज कर्मियों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों का ज्ञापन रोडवेज प्रबंधक को सौंपा। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन के दौरान रोडवेज कार्मिकों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आगामी 5 सितंबर को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मी पिछले लंबे समय से आंदोलन की राह पर हैं। आंदोलन की इसी कड़ी में मंगलवार को रोडवेज कर्मियों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों का ज्ञापन रोडवेज प्रबंधक को सौंपा। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन के दौरान रोडवेज कर्मियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आगामी 5 सितंबर को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेशव्यापी चक्का जाम हड़ताल की जाएगी। दरअसल मंगलवार को संयुक्त मोर्चा के रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन के 5वें चरण में रोडवेज के सभी इकाइयों में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। मंगलवार की दोपहर 12:30 से 1 बजे तक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और अपनी 11 सूत्री मांगों का समर्थन किया। साथ ही प्रदेश सरकार को चेताया कि समय रहते उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही 5 सितंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये हमारा 11 सूत्रीय प्रोग्राम है। प्रदेश के आह्वान पर जो सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, वादा खिलाफी कर रही है। अशोक जी पूरे देश को धन लुटा रहे हैं लेकिन रोडवेज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने कई बार इनको मतलब विज्ञापन दिए, संयुक्त मोर्चा ने वार्ता की लेकिन रोडवेज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी रोडवेज खोखला होती जा रही है। बसों की संख्या घट करके आधे से कम रह गई है। अभी 1300 बसें बसों रह जाएगी। कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है, लंबे समय से 2011 के बाद भर्ती नहीं हुई है। 2500 बसों की नई खरीद की जाए। रोडवेज का जो बेड़ा है ये दिनों दिन ढांचा बिगड़ता जा रहा है। अनुबंधित गाड़ियां ज्यादा लगाई जा रही है, हमारी रोडवेज की संख्या बहुत कम हो जा रही है। कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। हमारी चेत जाए भाई, हमारी वाजबी मांगे पूरी की जाए। और आगे अभी हमारे आज 22 तारीख को ही आर्यनगर प्रदर्शन है। 25 तारीख को मानव श्रृंखला का प्रोग्राम करेंगे हम। 28 तारीख को ढोल बजा के इस नींद में सोई हुई सरकार को जगाएंगे। और 1 तारीख को हम सरकार की नीतियों के विरुद्ध सरकार की नीतियों का पुतला फूकेंगे। और उसके बाद में 3 तारीख को और 4 तारीख को हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर सभी शाखाओं में धरने लगेंगे। तब तक अगर सरकार तेज जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 तारीख की आधी रात को 12 बजे के बाद चक्का जाम हड़ताल करेंगे 24 घंटे के लिए। रोडवेज के कार्मिकों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। मंगलवार को रोडवेज कार्मिकों ने अर्धनग्न होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मंजूर कुरैसी, एम्प्लॉयज यूनियन के रिटायर्ड सदस्य आत्माराम मेघवाल, वरिष्ठ सेवारत कर्मचारी पूनारा रुगाराम जाजरा, प्रदेश सचिव रुगाराम दत्तरवाल, मोटाराम ओम प्रकाश भार्गव, उमाराम मनीराम, महेंद्र सिंह सिसोदिया, देवी दान कान सिंह, जेठू सिंह समेत कई सेवानिवृत्त और सेवा रत कार्मिक मौजूद रहे।